ग्वालियर में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि उसके गुर्गों ने थाने पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। माना जा रहा है कि शराब माफियाओं के दो गुर्गों को पुलिस ने पकड़ा था, उसके बाद ही यह फायरिंग हुई है। प्रशासन को चुनौती देते हुए कुछ दिन पहले भी आबकारी विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने फायरिंग की थी। ग्वालियर के हजीरा थाने के बाहर दो अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। दहशत फैलाने के लिए आरोपी थाने से लेकर 1 किलोमीटर तक फायरिंग करते रहे। पुलिस की आंखों के सामने आरोपी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। आपको बता दें कि सोमवार रात हजीरा पुलिस ने कल्लू राजपूत और आशीष शर्मा को अवैध शराब के साथ पकड़ा था। फायरिंग की घटना को इस गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि फायरिंग करने वाले और आरोपियों में से एक की पहचान शैलेंद्र परमार के रूप में हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी शराब माफियाओं के गुर्गों ने आबकारी विभाग की टीम पर फायरिंग की थी, जिसमें एक आरक्षक घायल हुआ था। थाना हजीरा पुलिस ने आज शाम को कल्लू राजपूत और आशीष शर्मा निवासी 4 नंबर लाइन के निवास से 10 पेटी अवैध शराब जब्त की थी। उस दौरान शैलेंद्र परमार, जो इनका साथी है और पड़ोसी है, उसके ने इस कार्रवाई के बाद थाने के बाहर आकर रोड पे फायरिंग की है। इसमें आरोपी की तलाश जारी है और जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल शराब माफियाओं की बढ़ती दबंगई पुलिस और आबकारी विभाग के लिए चुनौती बन गई है। माफियाओं के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार शहर में खुलेआम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, ग्वालियर।